दोस्तों नमस्कार, E&I गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे लक्ष्य मीटर के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लक्ष्य मीटर का यूज कैसे किया जाता है, लक्ष्य मीटर का यूज करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों लक्ष्य मीटर को यूज करने के काफ़ी सारे नियम बने हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड में बताए गए नियम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों लक्ष्य मीटर का उपयोग लाइट की इंटेंसिटी को मापने के लिए किया जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स, हमारे घरों में, दफ्तर में, ऑफिस में काफ़ी सारी लाइटें लगी होती हैं, तो उन लाइटों की कितनी इल्यूमिनेशन होनी चाहिए और उस इल्यूमिनेशन को कैसे मापा जाए, तो उसके लिए हम लक्ष्य मीटर का उपयोग करते हैं। तो लक्ष्य मीटर से हमें टोटल 3 रीडिंग लेनी होती है और इन रीडिंग को हम क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 कहते हैं। जो क्लास 1 वाली रीडिंग है वह हाई क्वालिटी की रीडिंग होती है और जो क्लास 2 वाली रीडिंग है वह मीडियम क्वालिटी की रीडिंग होती है और क्लास 3 वाली रीडिंग लो क्वालिटी की होती है। अब हमें इन रीडिंग को समझने के लिए इस ग्राफ को समझना होगा। मान लीजिए कि यहाँ एक्स मीटर पर कोई लाइट लगी हुई है जो ज़मीन से एच मीटर की ऊंचाई पर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वाली रीडिंग हमें इस लाइट के बिल्कुल नीचे लेनी है। इस रीडिंग को हम हाई क्वालिटी की रीडिंग कहते हैं। अब हमें इस लाइट से 45 डिग्री के एंगल पर रीडिंग लेनी है। ये 45 डिग्री का एंगल आप लाइट की हाइट से निकाल सकते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले से भी आप 45 डिग्री का एंगल निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इल्यूमिनेशन लेंगे। इस इल्यूमिनेशन को हम मीडियम क्लास का इल्यूमिनेशन कहेंगे। इसके बाद हमें तीसरी रीडिंग लेनी होती है जिसे लो क्लास की रीडिंग कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम इस लाइट के द्वारा इतनी डिस्टेंस पर किसी ऑब्जर्वर को देखना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें इतनी दूरी पर लक्ष्य मीटर से लक्ष्य लेना होगा और ये लक्ष्य रेंज के अंदर आता है तो हमारा इल्यूमिनेशन प्रॉपर है। और यदि यह लक्ष्य IS स्टैंडर्ड के अंदर नहीं आता है तो हम मान सकते हैं कि हमें लाइट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अब इन तीनों की रीडिंग को लेने के बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ पर कितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है। अब फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि लक्ष्य मीटर से लक्ष्य कैसे लिया जाता है। यहाँ पर मैंने दोस्तों लक्ष्य मीटर ले लिया है। अब हम लक्ष्य मीटर की सहायता से हाई क्लास, मीडियम क्लास एंड लो क्लास तीनों की रीडिंग लेंगे। दोस्तों इस लक्ष्य मीटर के ऊपर यहाँ 40 वाट की ट्यूबलाइट लगी हुई है और ये ऑफिस का एरिया है। दोस्तों IS चार्ट के अकॉर्डिंग ऑफिस का इल्यूमिनेशन हाई क्वालिटी का 500, मीडियम क्वालिटी का 300 एंड लो क्वालिटी का 200 होना चाहिए। दोस्तों इस लक्ष्य मीटर को हमने चालू कर दिया है। इस लक्ष्य मीटर के अंदर 3 रेंज दी हुई है। ए क्लास के अंदर हम 0 से 1999 तक लक्स मेजर कर सकते हैं। इसके बाद बी ऑप्शन आता है। बी ऑप्शन के अंदर हम 2000 से 19999 तक की रीडिंग ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सी ऑप्शन आता है। सी ऑप्शन के अंदर हम 20,000 लक्स से लेकर 50,000 लक्स तक की रीडिंग को मेजर कर सकते हैं। अब हम लक्ष्य मीटर को ऑप्शन ए पर कर लेते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम 500 ओम तक लक्स मेजर करना है। अब दोस्तों हमने लक्ष्य मीटर को लाइट के जस्ट नीचे रख लिया है। यहाँ पर 40 वाट की LED लाइट लगी है, इसके नीचे हमने लक्ष्य मीटर को रखा है। इस लक्ष्य मीटर के अंदर 120 लक्स दिखा रहा है। तो दोस्तों इस लाइट के नीचे 120 लक्स है और एज़ पर IS स्टैंडर्ड यहाँ पर मिनिमम 500 लक्स होना चाहिए था। तो दोस्तों हमें और लाइट की रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों हम इस लाइट से 45 डिग्री के एंगल पर देख लेते हैं कि वहाँ पर कितना लक्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 लक्स से 61 लक्स के बीच में रीडिंग आ रही है। तो दोस्तों 45 डिग्री के एंगल पर हम 60 लक्स मान सकते हैं। अब दोस्तों हमें तीसरी रीडिंग लेनी है। मान लीजिए कि हमें इतनी दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है। तो फ्रेंड्स, इतनी दूरी पर हम इस लाइट का इल्यूमिनेशन देखेंगे कि यहाँ पर इस लाइट का इल्यूमिनेशन कितना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइट का इल्यूमिनेशन 30 लक्स दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि हमें और भी लाइट की रिक्वायरमेंट है क्योंकि फ्रेंड्स, एज पर IS स्टैंडर्ड हमारा मिनिमम इल्यूमिनेशन 100 लक्स आना चाहिए, जो कि
30 लक्स आ रहा है। फ्रेंड्स, हम इस तरीके से हाई क्लास, मीडियम क्लास और लो क्लास के इल्यूमिनेशन की रीडिंग ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने चार्ट बताया है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग कितना इल्यूमिनेशन कौन सी साइट पे होना चाहिए वो इसमें दिखाया हुआ है। दोस्तों, ये जो चार्ट है, यह चार्ट IAS स्टैंडर्ड से लिया हुआ है। इसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इस चार्ट का लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से भी इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि लक्स मीटर से किस तरीके से लक्स लिया जाता है और लक्स लेते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।